नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? मजे में हो? अच्छी बात है। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं विजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक आठ दीवानों की क्या हस्ती पढ़ेंगे। यह एक कविता है। हमने अपने पिछले व्याख्यान में भी ये पढ़ी थी और हमने बताया था कि ये कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ये कविता एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। यह कविता भगवती चरण वर्मा जी ने तब लिखी थी जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और देश के वीर शहीद आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इस कविता में दीवाने शब्द बार बार आया है। इसमें दीवाने का अर्थ है आजादी के वीर सपूत, आजादी के वो मतवाले, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि वो आजादी के मतवाले, वो स्वतंत्रता सेनानी जो देश को आजाद कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उन वो बोलते हैं कि हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारे भारत माता से है और वो हमेशा चलते ही रहते हैं, कभी भी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं। और वो जो दीवाने हैं वो कहते हैं कि हम इस देश से, यानी कि अपनी भारत माता से कुछ लिए जा रहे हैं। हम अपनी भारत माता से देशभक्ति की भावना अपने साथ लेकर जा रहे हैं और लोगों को अपने देश को आज़ाद कराने की इस भावना, देश लोगों में अपने देश को आज़ाद कराने की इस भावना को जागृत करते जा रहे हैं। अब आगे देखिए कवि क्या कहता है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि वो जो आज़ादी के दीवाने हैं, जब भी कभी किसी से भी मिलते हैं तो उन लोगों की बातें सुनते हैं सुख दुख की, और वो जब लोग एक दूसरे से सुख की बातें करते हैं तो वो हंसते हैं, और जब वो लोग एक दूसरे से अपने दुखों की बातें करते हैं तो वो रोते हैं। उन्हें दुख होता है कि ये आज़ादी के मतवाले कैसे संघर्ष कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आराम नहीं है, और वो उनके साथ रोने लग जाते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वो आज़ादी के दीवाने हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर इन सुख दुख का अब कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब सुख और दुख हमारे हमें एक समान है। हमारे लिए हमें तो बस अपने देश को आज़ाद कराना है, इसलिए अब ये सुख और दुख हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य तो सिर्फ एक है कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, इसलिए हमने तो ये सुख और दुख दोनों को एक समान मान लिया है। हम मान रहित, अब मान रहित, जी भर कर खुल कर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। इसमें कवि उन दीवानों के लिए, उन आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बोल रहा है कि वो कहते हैं कि हम मान नहीं, अब हमारे, हम ये नहीं सोचते कि कहाँ पर हमारा मान हो रहा है, इज्जत हो रही है, कहाँ पर हमारा मान हो रहा है, हम इन चीज़ों पे अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक ध्येय है, लक्ष्य है कि हमें अपनी भारत माता को इन अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। इसके लिए हम मान और अपमान से बहुत ऊपर हो चुके हैं, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, और हम अपने देश की आज़ादी के लिए आज हंसकर अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, और लोगों के अंदर ये भावना कर रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए, हमें देश की आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा सर्वोपरि धर्म है कि अपने देश की रक्षा करना। इसलिए इस पंक्ति में बोला जा रहा है कि वो स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान अपने देश के ऊपर न्योछावर करके जा रहे हैं। अब अपना
वो स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर अपने और पराए की अब कोई भावना नहीं रही कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है, क्योंकि हम सब तो भारत माता के वीर सपूत हैं और सब हमारे लिए हमारे देश के भाई बहन हैं। आबाद रहे उतने वाले, और जो हम अपने देश की आज़ादी के लिए आज न्यौछावर हो रहे हैं, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो आबाद रहे रुकने वाले, तो वो लोग आबाद रहे, हंसी खुशी रहे इस देश में। हम स्वयं बने थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो जो स्वतंत्रता सेनानी है वो बोलते हैं कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना था, इसके लिए हमने किसी ने हमें नहीं बांधा था कि तुम देश की आज़ादी के संघर्ष में हमारे साथ हो। हम अपने आप इस बंधन में बंधे थे कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। हम स्वयं अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपने जीवन को बलिदान दे रहे हैं। हम अपना बंधन तोड़ चले और आज हम अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके अपने बंधन स्वयं तोड़ के जा रहे हैं, यानी कि हमें किसी ने भी नहीं बांधा था, ना किसी ने हम पर कोई नियम लगाए थे कि तुम्हें अपने देश को आज़ाद कराना है। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना थी और हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इस राह में खुद चले थे और आज खुद ही अपने देश को अपने देश पर जान न्यौछावर करके जा रहे हैं। बच्चों बस ये कविता इतनी ही। ये कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है। आपको ये कविता अच्छे से कंठस्थ याद करनी है। धन्यवाद।